जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा व अति पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में जिला राजगढ़ में अवैध हथियारों की बिक्री व रखने पर रोक लगाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में SDOP श्री जोएस दास के नेतृत्व में थाना सारंगपुर में थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार व उनकी टीम द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2020 को मुखबिर सूचना पर अकोदिया रोड हाजीपुर जोर से आ रहे आरोपी सलमान पिता मोहम्मद रफीक उम्र 20 साल व हकीम पिता खालिद उम्र 19 साल दोनों वजीर हुसैन मोहल्ला सारंगपुर अवैध रूप से बिना नंबर के एक्टिवा से बेचने हेतु ले जा रहे 4 तलवार व 70 तलवार के मुठ व एक एक्टिवा कुल कीमत 58,800 रुपये विधिवत जब्त कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सारंगपुर में अपराध क्रमांक 420/20 धारा 25 आर्म्स एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया एवं दिनांक 24 अगस्त 2020 को ही मुखबिर सूचना पर आरोपी जहीर पिता आजाद खान व अब्दुल करीम पिता रईस खान मेव दोनों वजीर हुसैन मोहम्मद सारंगपुर सदा बाग जोड़ AB रोड के पास अवैध रूप से बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से बेचने हेतु ले जा रहे 3 तलवार के मुठ व एक मोटरसाइकिल कुल कीमत 39,300 रुपये विधिवत जब्त कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सारंगपुर में अपराध क्रमांक 421/20 धारा 25 आर्म्स एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी से हथियार खरीदने के संबंध में पूछताछ हेतु माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लिया जाएगा। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार व उनकी टीम अकुर चौबे प्रधान आरक्षक अनिल सिसोदिया आरक्षक अमित आरक्षक सतीश आरक्षक राकेश आरक्षक गजेंद्र आरक्षक दिवाकर वर्मा आरक्षक अनीता आरक्षक खुशबू की अहम भूमिका रही। उक्त टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।